अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रमज़ान कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? चलें आज हम बना रहे हैं होममेड लेमन केक थिंग, जो कि बहुत आसान है, इजी है। जो हमारे पास घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे ही बनाएंगे, ना ही कोई फूड, कोई वेजिटेबल, कोई ऐड नहीं होगा इसमें। सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो हम ऐड करेंगे, और आप देखेंगे कितना स्मूथ बनेगा हमारा ये लिप एंड चीक थिंग। चलें जल्दी से हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल, 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा। आपकी क्वांटिटी पे है कि आपको कितना बनाना है। मैं तो थोड़ा ही बनाऊंगी, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। 1/2 टीस्पून ले लें, आपको जितना चाहिए आप उतने चम्मच बढ़ा लें, ठीक है। 1/2 टीस्पून ले लें, ठीक है। एक तो निकल भी नहीं रहा, ये देखें। फिर आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से, देन 3-4 स्पून्स आपने वो लेने हैं रोज़ वाटर के, जो भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी कंपनी का हो, कोई ऐसा मैटर नहीं करता, ठीक है। 3-4 एज योर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमने डाल दिए हैं, और इसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है, जो कि मैं भूल गई थी। इस बार मैंने सब एक साथ मिक्स किया है, लेकिन आपने एक स्टेप अच्छे से मिक्स करना है। ये है फूड कलर, इसकी बॉटल की इसकी हालत में मत जाइएगा, बहुत ख़राब हो रही है। तो 1/2 टीस्पून लीजिए, जितना डार्क कलर चाहिए आप उतना लीजिए, लेकिन 1/2 टीस्पून सही है। मैंने इससे भी कम डाला है, लेकिन 1/2 टीस्पून सही है, या 1 टीस्पून डाल दें, कोई ऐसा मैटर नहीं करता। तो उसके बाद आप कोई भी ऑयल डाल दें, आलमंड ऑयल डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल दें, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। 2-3 ड्रॉप डाल लें, या तो आप 24K सीरम होता है वो भी डाल दें, लेकिन क्योंकि ये होममेड है तो मैंने इसलिए इसमें ऑयल डाला है, ठीक है। हम इसको अच्छे से मिक्स करें, इसकी इसको मिक्स करते जाएं, मिक्स करेंगे तो अच्छा टेक्सचर बनेगा। मिक्स करें अच्छे से, जितना अच्छे से होगा उतनी अच्छी हमारी स्मूथ टिंट बनेगी। अच्छे से मिक्स करते जाएं, जब तक ये मिक्स हो रहा है। बिल्कुल ये अब मिक्स हो गया अच्छे से। फाइनली ये मिक्स हो गया है। इसे हम इस कंटेनर में डालेंगे, लेकिन मैं इसे आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। वैसे लिप इसमें डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी। चले मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा हमारा टेक्सचर बनाया और हमारा टिंट बनाया। ये देखें कितना स्मूथली बनाया, कितने इजीली अप्लाई हो रहा है, वरना तो आप टिंट लेते हैं तो उसके पैचेस रह जाते हैं। ये देखें कितने इजीली अब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, देखें कितनी अच्छी सी आपकी स्किन हो गई है, स्किन कितनी ग्लो कर रही है। आप इसको फेस पे लगाएंगे तो बिल्कुल ग्लो करेगा आपका ये टिंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, होम रेमेडीज़ के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।